नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी शैल। मेरे चैनल सर लवी ब्लॉग पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हमारे यहाँ केस होने वाला है हॉर्निया। तो मैं बेसिक जो हॉर्निया, ओपन हॉर्निया में जो इंस्ट्रूमेंट लगते हैं उनका यूजेस क्या है और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगते हैं या कौन कौन से औजार लगते हैं, तो आज मैं आपको नॉलेज दूंगी हिंदी और इंग्लिश में। तो चलिए मेरे साथ और मैं अब आपको बताने वाली हूँ इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज हॉर्निया। हॉर्निया क्या होता है? अ बल्गिंग ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू थ्रू एन एबनॉर्मल ओपनिंग एंड ट्रिपिकली अ हर्निया इन्वॉल्व्स ऑफ इंटेस्टाइन। इसमें से पेट और आंतों का सम्मिलन होता है जो कि आंत का उतर जाना कहते हैं, इसे कहते हैं हर्निया। तो चलते हैं, हम हर्निया में क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उनके बारे में बताते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओटी ड्रेस में, क्योंकि सबसे पहले हम ड्रेस पहनते हैं, प्रिपेयर होते हैं ओटी करने के लिए। तो उसमें लगता क्या क्या है? ये है हमारे गाउन, जो कि इसको वियर करके रेडी होते हैं, जिससे कि अगर जितने भी टीम होती है हमारी, जो भी ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो भी केसेस की टीम होती है, वो पहनते हैं सबसे पहले गाउन। सबसे पहले तो हैंड वॉश करते हैं, सर्जिकल या मेडिकल अलग अलग मेथड होता है, वो भी मैं बताऊंगी। तो ये पहनते हैं गाउन और ये लगती है कट सीट, यानी कि जहाँ पे ऑपरेशन होता है उस एरिया को दिखाती है, इसलिए इसको बोलते हैं कट सीट। ये बीच में कट होती है और आगे होता है प्लेन सीट। ये होते हैं तीन प्लेन सीट। ये है मॉब हमारा, ये कोई भी सक करने के लिए ब्लड वगैरह या एक्स्ट्रा कुछ भी डिस्चार्जेस हो रहे हैं तो इसमें हम सक करते हैं। और ये है कॉटन और ये है हमारा गॉस और ये है कॉटन और ये स्पंज। तो चलिए, और एक्स्ट्रा में क्या लगता है? ये है हमारा सक्शन ट्यूब। ये है, इसको टिप पे यहाँ पे हम फिट करते हैं इस तरीके से। ये जो ग्रीन वाला लगा है यहाँ पे इस तरीके से करते हैं इसको। और ये है हमारा पीवीसी ट्यूब भी बोलते हैं और सक्शन ट्यूब भी बोलते हैं। और ये है कॉटरी, जिससे कि कोई भी ब्लीडिंग वगैरह होती है तो कॉटरी से कट करने का भी काम आता है, ये लगा है। तो यहाँ से ये स्टार्ट करते हैं। और अब चलते हैं इंस्ट्रूमेंट की तरफ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये एक बॉबल, इसमें बेटाडीन या एनएस कुछ भी लेते हैं। किडनी ट्रे, जो भी किडनी ट्रे का मतलब समझते हैं, जो भी एक्स्ट्रा निकलता है मटेरियल, उस इसमें हम इसको रखते हैं। और ये है हमारा बीपी हैंडल। बीपी हैंडल किडनी ट्रे में इसलिए रखते हैं कि ताकि किसी को ये ब्लेड चुभ ना सके। और ये हमारा 4 नंबर का बीपी हैंडल, 3 नंबर का भी होता है और ये हमारा 23 नंबर का ब्लेड। इसमें हम इसको फिट करते हैं और इसी से सीजन लगाया जाता है। कुछ भी मतलब इन सीजन देते हैं तो सबसे पहले इसका यूज करते हैं। और फिर इसके बाद में आता है, इन सीजन के बाद तो पहले हो गई, लेकिन उससे पहले हम ये स्पंज होल्डर का काम करते हैं। ये स्पंज होल्डर है, इससे हम पेन ड्रिप करते हैं पेशेंट के उस एरिया को, पेन ड्रिप करते हैं जहाँ पे हमें ऑपरेशन करना होता है। और ये है हमारा निडिल होल्डर, इससे हम स्टिच करते हैं वाइक्रल 90 या वाइक्रल 180। और ये है हमारे दो सीजर, ये दो सीजर हैं। एक सीजर ये है हमारी टिश्यू कटिंग और एक ये है सूचर कटिंग। तो सूचर कटिंग जो होती है वो थोड़ी सी चौड़ी सी होती है और ये थोड़ी सी साफ होती है, यानी कि पतली सी होती है। और इसमें रखते हैं दो थंब फोरसेप। ये थंब फोरसेप हैं, एक है टूथ फोरसेप और एक ये है नॉन टूथ फोरसेप। टूथ फोरसेप में आप देख रहे हैं कि इसमें ये छोटे छोटे से दांत लगे हैं, आई थिंक आपको सही से दिख पा रहा होगा। तो ये है टूथ फोरसेप। और नेक्स्ट हमारा है, ये है एलीज। एलीज का काम तो आप जानते हैं, किसी चीज को भी क्लैंप करते हैं। ये है हमारी एलीज। एलीज 6 का बंच होता है, जैसे जैसे यूज होती जाती है तो हम देते जाते हैं सर्जन को। तो ये 6 एलीज है, इससे हम क्लैंप करते हैं या फील्ड को अच्छे से दिखाते हैं, बहुत ही अच्छे से क्लैंप हो जाता है। और ये आर्टरी है, आर्टरी भी छोटा मोटा ब्लीडर होता है या कुछ भी होता है, तो इससे हम होल्ड कर देते हैं ताकि हमारा ब्लड रुक जाए और कंट्रोल हो जाए। और ये है हार्निया रिंग। ये हार्निया रिंग हार्निया पे ही यूजेस करते हैं। और ये है हमारा बेबकॉक, इससे भी हम क्लैंप करते हैं एक तरीके से, जब भी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है ऑपरेशन करते हैं। और ये है जर्नी। जर्नी में ये है कि ये इस तरफ डबल हुक है और ये इस तरफ हमारा एक तरीके से फील को सेपरेट करते हैं कि जहाँ पे हमें जो चीज़ ढूंढनी होती है, मान लो किडनी स्टोन है उसको, तो ये सेपरेट करने के काम में आता है। तो
ये हो गए हमारे इतने इंस्ट्रूमेंट, बेसिक इंस्ट्रूमेंट इतने ही लगते हैं, और जिस तरीके से केस कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है उस तरीके से हम इंस्ट्रूमेंट देते जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा, मैंने थोड़ा बहुत अभी बेसिक नॉलेज दिया कि हारमोनियम में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं या क्या क्या औजार इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अगर आपको बेसिक आ गया तो जितना ट्रिपल केस होता जाएगा आपको पता चलता जाएगा धीरे धीरे। तो आपके कभी प्रैक्टिकल में पूछा जाता है या कभी आपको नॉलेज की ज़रूरत हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड लाइक करिएगा एंड फैमिली दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ केश कराने, तो चलिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।